जिसका प्रिंट रेट 200 रुपए है वो दवाई एक्चुअल में 10 रुपए की भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आंखें बंद करके सेवा नहीं कर सकता, सच्चाई तो दिखाऊंगा ना। तो मेरी उनसे गुजारिश है आप सिर्फ सोल्ट लिख के दें, कंपनी ना लिख के दें। तो डॉक्टरों को ऐसे किया जाता है, हम आपको स्विट्जरलैंड का टूर दे देंगे या आपको हम एप्पल मोबाइल गिफ्ट कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। हम चंडीगढ़ के इस समय PGI हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और इस वक्त जो कोरोना महामारी ने पूरे दुनिया में एक तरह की आर्थिक मंदी जैसी समस्या लाके खड़ी कर दी है, वहीं दूसरी तरफ जो आम पेशेंट्स हैं, जो आम बीमारियों को ले हॉस्पिटलों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, उनको एक तरह से आर्थिक मंदी के चलते जहाँ लोगों की जेबें खाली हो चुकी है, लोगों के पास खाना खाने तक के लिए पैसा नहीं है, वहीं जो आम जनता है अपने इलाज के लिए हॉस्पिटलों में जा रही है और डॉक्टरों द्वारा जो महंगी दवाइयां हैं वो लिखे जाने के बोझ के नीचे दब चुके हैं। इसी को लेकर हमारे साथ एक सज्जन जुड़े हैं जो कई समय से लोगों की सहायता कर रहे हैं, लोगों को खाने से लेकर दवाइयों तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मसला है, क्या बात है, वो क्या मुद्दा हमारे सामने रखना चाहते हैं। सर, आपका नाम? पहला तो सारे सत श्री अकाल, तरुण सियाल मेरा नाम है और मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से सेवा कर रहा हूँ। मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगा, मैंने राशन लोगों को प्रोवाइड किया, उसके बाद मैं यहाँ आके PGI आके लोगों की दवाइयों में हेल्प करने लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। तो बट यहाँ आके मैंने नोटिस किया, पहले धीरे धीरे मैंने केमिस्ट शॉप पे जाके बोला कि मैं सर लोगों की सहायता करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, मुझे कितना डिस्काउंट दोगे अपने? एक मेरे बड़े भैया हैं जो साईं मेडिकल 11 में ही हैं, उन्होंने मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट दिया 40-50% तक। चलो, मैंने कहा ये तो जहाँ मैं दो पेशेंट की हेल्प कर सकता था वहाँ चार की कर पाऊँगा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। धीरे धीरे मेरे साथ लोग जुड़े के और जो कि दवाइयों की कंपनी से ही जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ आके सेवा करने लगे, कहते मैं भी फ्री सेवा करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगा। तो मुझे पता लगा कि दवाइयों की कंपनियों में इतना फ़र्क है, जिसका प्रिंट रेट 200 रुपए है वो दवाई एक्चुअल में 10 रुपए की भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ, मैंने दो दिन पहले वीडियो डाली कि दवाइयों में इतना भेदभाव वो है रेट का कि 5000 वाला इंजेक्शन मुझे, मैंने खुद लिया है 1100 रुपए का, जो उसका प्रिंट रेट 5000 रुपए का था। उसकी कोई क्वालिटी में फ़र्क? क्वालिटी में फ़र्क कंपनी का ही फ़र्क है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ जैसे कि उसका क्या मेन वो है। पहले तो जब मैंने ये वीडियो डाली मेरे पास 4-5 फ़ोन भी आए कि भैया तू हमारे पेट पे लात मार रहा है, तू अपने सेवा करनी है सेवा कर, और कम मच ना पै तू, तेरा बहुत होएगा। बट मैं, अगर हम ग्राउंड लेवल पे आ ही गए हैं सेवा करने तो मैं आंखें बंद करके सेवा नहीं कर सकता, सच्चाई तो दिखाऊंगा ना। देखो, मुझे बुरा ये फील होता है, मैं चार दिन से पेशेंट को दवाइयाँ नहीं दे रहा हूँ, उसका रीज़न मैंने इनको दवाइयाँ दी 800 रुपए की दवाई आनी थी केमिस्ट शॉप से और वही दवाई मुझे 150 रुपए की दे रहा था कोई और इंसान जो सेवा करता है, तो मैंने इनको वो दवाई दी सेम सॉल्ट की। ऐसा क्या फ़र्क है जो डॉक्टर्स दवाई लिख के दे रहे हैं वो महंगी है और जो अब जो आप दवाई ला के दे रहे हैं उसमें क्या? सिर्फ कंपनी का फ़र्क है, जैसे मैं आपको बता दूँ, एक नाइकी का जूता है सपोज़ करो, अगर कोई नाइकी का जूता है 1400 पीस बनाते हैं वो, और 1000 कंपनी ऑर्डर करती है तो उनके 1200 पीस बन जाते हैं, तो 200 पीस कोई भी रेट में बेच सकते हैं। तो एक सोल्ट का सोल्ट सेम है, बस कंपनी का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, सेम उसका इफेक्ट। अब आपको मैं बताता हूँ, एक जैसे कि पैरासीटामोल है, एक सुमो है, दो दवाइयाँ पैरासीटामोल और सुमो, दोनों पेन किलर हैं, तो डॉक्टर लिख के देते हैं सुमो, सुमो 200 रुपए की दवाई है और पैरासीटामोल 10 रुपए का पत्ता है। आपके पास कोई प्रूफ है जिसमें सुमो लिख के दी गई हो? मैं ये देखो जी, मैं बिल्कुल विद प्रूफ ही बात करूँगा, ये सारे वो लिखे गए हैं, ये सारी दवाइयाँ लिखी गई हैं जिसमें कि जो अगर मैं मार्केट से लेने जाता हूँ तो 200 रुपए रेट आता है इसका, और अगर हम सेम सोल्ट की कंपनी लें तो वो 20 रुपए की आ जाएगी। तो मेरा मेन मुद्दा किसी को भड़काने का नहीं है, ठीक है आप लोग कमाई करना चाहते हो आप करो, लेकिन मेरी गुजारिश है जहाँ पे डॉक्टरों का भगवान का दर्जा देते हैं हम, कोरोना के टाइम भी लोग डॉक्टर भगवान का रूप है जो कोरोना के टाइम भी पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है आप सिर्फ सोल्ट लिख के दें, कंपनी ना लिख के दें। कोई भी कंपनी वाले हैं दवाई बनाते हैं 10 रुपए की, वो 200 रुपए प्रिंट रेट खुद ही लिखते हैं उसका, उसमें 5 लोगों का घर चलता है। जैसे कि एक सेल्समैन आ गया बीच में जो कि मार्केट में ग्राउंड लेवल पे लेके आता है दवाई को, डॉक्टर सर आप ये लिख लीजिए, ये हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, मेरी ये आमिर खान जी ने भी उठाया था आज से सत्ते में जयंती में मुद्दा, तो वो जो सेल्समैन है सबसे पहले वो कमाई खाता है, जैसे 20 रुपए वाला पत्ता वो मार्केट में लेके आता है 40 रुपए का, डॉक्टर साहब ये दवाई ज़्यादा अच्छी है, हम आपको स्विट्जरलैंड का ट्रिप दे देंगे तो आप ये दवाई अच्छी है, मतलब डॉक्टर को अच्छा
मान लेते हैं वो सच में ही अच्छी होगी दवाई, लेकिन जो सॉल्ट सेम है वो भी बुरी नहीं है, वो सेम ही दवाई होती है। तो डॉक्टरों को ऐसे किया जाता है, हम आपको स्विट्ज़रलैंड का टूर दे देंगे या आपको हम एप्पल मोबाइल गिफ्ट कर देंगे, तो डॉक्टर उनकी पास तो हो ही हैं, दवाइयाँ हैं तो अच्छी, मैं दवाइयों का नहीं कह रहा कि दवाइयाँ गलत हैं, लेकिन वो फिर उसके बाद 20 रुपये दवाई, 20 रुपये वाला जो दवाई बनती है, 20 रुपये जो सेल्समैन को घर चलता है उससे तन के, फिर धीरे धीरे केमिस्ट शॉप पे पहुँचती है वो 60 रुपये तक पहुँच जाती है, डॉक्टर को टूर दिया जाता है वो 80 रुपये तक पहुँच जाती है, फिर केमिस्ट वाले के रेंट हो गए, ऐसे करते करते 200 रुपये कीमत पहुँच जाती है, मतलब एडवर्टाइजमेंट का रेट है। इसके बीच में एक छोटा सा सवाल निकल के आता है कि जब आप दवाइयाँ दे रहे हैं तो आप कहाँ से दे रहे हैं वो दवाइयाँ, आप पर्सनली वो दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई लाइसेंस है दवाइयाँ देने का या ऐसा कुछ? हाँ, मैं बात जरूर शेयर करूँगा आपसे। मैं सबसे पहले जब ग्राउंड लेवल पे उतरा था 3 महीने, मैंने वीडियो डाली थी कि जिसके पास खाना नहीं है वो खाना ले सकता है, तो मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने खाना बांट दिया उनको, तो मैंने वीडियो डाल देता था वैसे ही कि वीडियो ताकि और लोग जुड़ सकें, तो मेरे साथ सारी दुनिया से लोग जुड़ चुके हैं जो कि अपनी सेवा के रूप में पैसे भेजते हैं डायरेक्ट केमिस्ट वाले के अकाउंट में, तो मैं इन पेशेंट को लिख के दे देता हूँ कि पहले इनसे पूछ लेता हूँ आपकी कितने की दवाई आएंगी, वो कहता है 800 रुपये की, तो मेरे पास फ़ोन आता है, मैं कह देता हूँ कोई भी सेवा करना चाहता है तो अपनी इस पेशेंट की मदद कर दे, तो वो डायरेक्ट केमिस्ट शॉप पे वो पेशेंट जाके खुद दवाइयाँ ले लेता है। जी, मेरा नाम राजेश रावत है जी, मैं 2 साल से पीजे में इलाज करवाने आ रहा हूँ, और डॉक्टर हमें महंगी दवाई लिख के देते हैं, हमारा दवाई बहुत महंगा चल रहा है जी। सर जी, डॉक्टर से गुजारिश है कि हमारा दवाई सस्ता दिलवा दीजिए जी, और हमारे जैसे गरीब भाई लोग बहुत सारे जी लेते हैं। वो जैसे है ना साहब, वो जो लिखते हैं ना कंपनी, वो कंपनी का फर्क डाल देते हैं, एक कंपनी तो जो है 10 रुपये का मिल जाते हैं साहब, एक जो है 200 रुपये का बताते हैं, वो जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाते हैं। दुधिया सिविल अस्पताल तो जी ऑस्टियोपोरोसिस दी बीमारी सी, जिन्होंने हड्डियों की कमजोरी बीमारी कहते हैं जी, है उधर सानू मतलब कुछ नहीं सूझ रहा जी, भी साढ़े कोई पैसा नहीं सीगा, कोई कामकार नहीं चल रहा जी, जी मतलब 1 महीने तनखा सी मेरी जी उत्थे पई हुई सी, वो 1 महीने तनखा मैं 3-4 दिन इकट्ठी करके 4 अप्रैल मैं इतने पहुंचा जी, मतलब कि 1.25 साल हो गया जी इतने आए नहीं मैनू, जी 4 अप्रैल पहुंचे जी शाम, मैंने कुछ नहीं पता जी, मैंने इतों पीजीआई बारे कुछ नहीं पता सगा, असं इतों इलाज करवाते रहे जी, डॉक्टर कुछ मतलब महंगे सानू टेस्ट भी लिखते रहे, महंगी दवाइया भी लिखते रहे, फिर असं डॉक्टर ने कंटैक्ट किया भी डॉक्टर साहब सानू कुछ ना कुछ हल्की दवाइया लिख के दो जिसे खर्चा घट हो, मैं साढ़े पैसे बैठ के खर्चे हो चुके थे, असके लोगों को पैसे फट के भी ला चुके थे, मैं जिदे करके मेरे पौने दिन भी मेरे जुम्मे कर्जा भी हो गए जी, पिछले मेरे बच्चे भी भुखे बैठे है। आम लोग है, गरीब लोग है, वो महंगी दवाइयों के बोझ के तरे दबते जा रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं राहुल तिवारी, अर्थ प्रकाश न्यूज़ चंडीगढ़। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।